बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की एक बेसिक मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्यूनाइटम नेपेलिस। एक्यूनाइटम नेपेलिस प्लांट किंगडम से अलग रखने वाली ये हमारी मेडिसिन है। बहुत ही अक्यूट और एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली ये हमारी रेमेडी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको एकोनाइटम क्यों कहा जाता है, इसके नाम की वजह क्या है, एटिमोलॉजी क्या है। एकोनाइटम एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है विदाउट सॉइल। द नेम एकोनाइटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग विदाउट सॉइल। पहली बात, एकोनाइटम इसको इसलिए कहा जाता है कि ये प्लांट, ये पौधा पहाड़ों पर स्टोनी हार्ड रॉक्स पर ग्रो करता है। इसको ग्रो करने के लिए जो आम एग्रीकल्चरल फर्टाइल सॉइल होती है, उसकी जरूरत नहीं होती। इसलिए बॉटनिस्ट ने इसका नाम रखा है एकोनाइटम, विदाउट सॉइल। इसी में फिर इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, क्योंकि ये हार्ड स्टोन माउंटेनी एरियाज में पाया जाता है। ये सख्त ठंडी हवाओं से, खुश्क हवाओं से मुतासर होता है उन इलाकों में, इसलिए इसके पेशेंट में भी यही इलामत आ रही होती हैं। ये इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के साथ भी टेली कर रहा होता है। एकोनाइटम विदाउट सॉयल। नेपेलस लैटिन जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है लिटिल टर्निप, यानी छोटा शलजम जिसे कहते हैं। वो इसकी रूट की वजह से, इसकी जो जड़ है, जो रूट है, उसकी मुशाबियत से इसको नेपेलस यानी लिटल टर्निप का नाम दिया जाता है। यूं इसका पूरा नाम है एकोनाइटम नेपेलस। ये इस प्लांट का इमेज है, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि इसका पौधा किस किस्म का होता है। एक इसका थोड़ा सा जूम करके इसका व्यू दिया है। ये इसके तकरीबन ब्लू कलर्स के इसके फ्लावर्स और लीव्स होते हैं। ये इसका प्लांट इमेज है। अगर हम इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, बोटेनिकल, क्योंकि ये वेजिटेबल किंगडम से तलक रखता है, प्लांट किंगडम की हमारी मेडिसिन है, तो इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। पूरा नाम, बोटेनिकल नेम, बॉटनी में इसको एकोनाइटम नेपेलस कहा जाता है। सेरेनेम्स कॉमनली इसको मॉक्स हुड या वॉल्फ बेन, ये भी इसको लोकल जुबान में कहा जाता है। प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, अभी आपने इसका इमेज देखा। ट्रेकियोफाइट्स एक वेस्कुलर प्लांट है। और वेजिटेबल किंगडम में इसकी फैमिली है रेनैनकुलेसी। रेनैनकुलेसी फैमिली से इसका तल्लक है, रेनैनकुलेसी इसका खानदान हो गया। एकोनाइटम इसका जीनस है। एकोनाइटम जीनस की बहुत सी स्पीशीज है। जो आज की हमारी रेमेडी है, ये नेपेलस स्पीशीज कहलाती है, इसलिए इसका पूरा नाम एकोनाइटम नेपेलस। क्योंकि प्लांट है, तो प्लांट के अंदर उसकी फाइटोकेमिस्ट्री को देखा जाता है, यानी उसके अंदर फाइटोकेमिकल कौन कौन से हैं, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। तो एकोनाइट में इसी के नाम के साथ मिलते जुलते केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे अहम है। एकोनाइटीन नियोपैलीन, ये देखें कितनी मुशाबियत है इसके बोटेनिकल नेम्स और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। एकोनाइटीन नियोपैलीन एकोनाइटिक और सक्सिनिक एसिड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एफेडिरीन भी पाई जाती है। एफेडिरीन, एफेडिरीन जो एक नशावर कंस्टिट्यूएंट होता है, एफेडिरीन भी इसमें पाई जाती है। एकोनाइटीन नियोपैलीन एकोनेटिक एंड सक्सेनिक एसिड, ये इसके अहम तरीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और दीज आर हाईली टॉक्सिक। अगर इनको क्रूड फॉर्म में, ओवर डोज में बॉडी में दाखिल कराया जाए, तो ये क्या है, हाईली
टॉक्सिक होते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, ये पौधा परेनियल हर्ब है, यानी साल हर साल तक ये सरसब्ज रहता है। एशिया में, सदेरिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इन तमाम इलाकों में, टेरिटरीज में ये पाया जाता है। ये इसकी हैबिट एंड हैबिटेट है। अगर हम इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इस रेमेडी को भी डॉक्टर हनीमैन ने, डॉक्टर फ्रेडरिक हनीमैन ने 1805, 1805 में डॉक्टर हनीमैन ने खुद इसको होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया था। डॉक्टर हनीमैन ने थर्मल रिलेशन, इसका मरीज नेदर चिली नॉर हॉट, यानी जैसे मैंने कहा कि वो ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी से और ना बहुत ज़्यादा गर्मी से सेंसिटिव होता है। नाइजमेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये एंटी सोरेक रेमेडीज में फाल करती है। सोरा, एंटी सोरा, इसका सोरा मियाज़्म है। बॉडी प्लान की बात करें तो मोस्टली ये पूरी बॉडी पे एक्ट करती है। स्पेसिफिकली हार्ट की सिम्टम्स में ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड दिमाग में होता है, तो इसकी थोड़ी सी एक अफिनिटी है लेफ्ट साइड के साथ, स्पेशली जब हमें हार्ट की कंप्लेंट्स मिलती है। टेम्परामेंट इसका सेंगुइन है। कैटेगरी, ये कार्डियक इरिटेंट ग्रुप से ताल्लुक रखती है, जो हार्ट को, यानी इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो तो कार्डियक सेंटर के थ्रू अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन करके हार्ट को, कार्डियक मसल्स को इरिटेट करते हैं, तो इसलिए ये बिलोंग्स टू द कार्डियक इरिटेंट ग्रुप। काजेशन, किन काजेस पर इसकी एलिमेंट्स आती हैं, इसकी डिजीजेज आती हैं, इसकी सिम्टम्स आती हैं? ड्राई कोल्ड विंड, खुश्क और ठंडी हवा, परस्पिरेशन चेक, अगर पसीना दब जाए, रुक जाए, फियर, खौफ, सन हीट, शॉक, ऑपरेशंस, इंजरीज, फ्राइट, ये तमाम इसके काजेशन में फाल करते हैं। यानी इन काजेस की बुनियाद पर अगर कोई एलिमेंट आ रही होगी, तो हम इस रेमेडी को यूज करा सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग, यही वजह है कि इसको हम वेरी वेरी अक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल कराते हैं। इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इतना शॉर्ट है कि 6 आवर्स टू 2 डे। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि इसको पहले 24 या 48 घंटों में इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर्स टू 2 डेज 48 आवर्स, 6 आवर टू 48 आवर्स इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है। और चूंकि ये वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, तो हम इसको फ्रीक्वेंटली रिपीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसके पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फिजियोगनोमी जिसे हम कहते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेथोरिक सेंगुइन टेम्परामेंट, डार्क हेयर और आइस, ये इसके मरीज का पिक्चर है, इसके मरीज का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, फिजियोगनोमी है। अगर हम इसके प्लांट्स के पार्ट्स की बात करें कि मेडिसिन तैयार करने के लिए, तो ये पूरा प्लांट बिलखसूस उसमें फिर मॉइस्चर कंटेंट, जो फ्रेश प्लांट का मॉइस्चर कंटेंट होता है, तकरीबन 350 ml/100 g सॉलिड के साथ मिलाकर इसका मदर टिंचर ड्रग D/10 जिसको हम कहते हैं, उससे हम इसकी मदर टिंचर तैयार करते हैं, फिर फर्दर पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। अगर हम इसकी अफिनिटी या लोकेशन की बात करें कि इसका एक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो मेनली CNS, CVS, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें माइंड, ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ये सारे आ जाते हैं, ये दो निज़ाम इसमें बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन दो सिस्टम पर ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। अगर हम इसके स्पेशली फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें, तो दिस पॉइजनस ड्रग इफेक्ट्स एवरी सिस्टम एज वेल एज एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है हमारी, यही वजह है कि ये हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम और हर एक ऑर्गन पर एक्ट कर रही होती है, स्पेशली ऑन द हार्ट और हमारा ब्रेन। दिस ड्रग काजेज फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, दिस ड्रग काजेज फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस,
यही वजह है कि इसको हम अक्यूट और सब अक्यूट स्टेजेस में ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट में डायनामिक चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस आ रही होती है। अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, जैसे हम देखें ना कि लिवर का फंक्शन खराब हो गया, इसे कहते हैं फंक्शनल चेंज। किडनी के RFTs डिस्टर्ब हो गया, इसे हम कहते हैं फंक्शनल चेंज। किडनी के पैरेन्केमा की चेंजेस, किडनी के अंदर कोई ट्यूमर बन जाना, हार्ट के अंदर कोई एनाटोमिकल चेंज का आ जाना, लिवर के अंदर कोई एनाटोमिकल नहीं, ये एनाटोमिकल चेंज से पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस पर एक्ट कर रही होती है। दिस ड्रग काजेज फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस विच स्टैंड्स टू डिस्क्राइब द ड्रग इज टेंशन, यानी जिसको आप कह सकते हैं खिंचाव, टेंशन। दिस ड्रग कवर्स मोस्ट ऑफ द अक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जैसे मैंने कहा CVS सिस्टम के हवाले से बहुत सी अक्यूट, सब अक्यूट, हत्ता के क्रॉनिक केसेस में भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन फंक्शनल चेंजेस पैदा करता है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है। अगर हम इसके की नोट की बात करें, यानी की नोट्स वो होती हैं कि जो किसी भी मेडिसिन की इंडिविजुअलाइजेशन कहलाती है, जो उसकी जुदागाना खसूसियात होती हैं, तो इसके पेशेंट्स में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होती है फियर, और फियर भी डेथ का, मौत का खौफ, फियर और एंजाइटी। लेकिन फियर ऑफ डेथ इस हद तक पेशेंट अपनी बीमारी से मायूस हो जाता है, पेशेंट अपनी बीमारी में इस हद तक चला जाता है कि वो अपनी मौत का दिन बता देता है, डे एंड टाइम, डे एंड टाइम ऑफ डेथ, डे एंड टाइम ऑफ डेथ। मरीज अपनी मौत का वक्त और दिन भी मुअय्यन कर देता है, लेकिन इसमें एक होप भी है। लेकिन पेशेंट के जेहन में ये होप होती है कि अगर मुझे फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास ले जाया जाए, तो मुझे मेडिसिन दी जाए, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। वो अपनी बीमारी से इस हद तक खौफ ज्यादा होता है कि मैं मर जाऊंगा, वो अपना डे एंड टाइम भी प्रिडिक्ट कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस होप में भी होता है कि अगर मुझे फिजिशियन के पास ले जाया जाए और मुझे मेडिसिन दी जाए, तो मैं बच जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेस, फिजिकल इसका मरीज, इसके मरीज में दो रेस्टलेस होती हैं, जिस्मानी भी और जहनी भी। ये पॉइंट भी अहम है, फिजिकल और मेंटल। बाकी कुछ मेडिसिन हैं जिनमें सिर्फ फिजिकल रेस्टलेस है, कुछ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ मेंटल रेस्टलेस है। इसके पेशेंट में दो किस्म की रेस्टलेस होती है, बेचैनी भी, आरामी होती है, फिजिकल भी और मेंटली भी। अक्यूट, सडन, वायलेंट, ये तीन लफ्ज हैं, अक्यूट, सडन, वायलेंट। बेलेडोना में भी है, लेकिन बेलेडोना का दर्जा इसके बाद आता है। बेलेडोना में भी हमें बहुत ज्यादा वायलेंट और सडननेस मिलती है। अक्यूट, सडन, वायलेंस विद फीवर कॉल फॉर इट। अगर खास तौर पर बुखार में अक्यूट, सडन और वायलेंट अलामत आ रही है, तो ये मेडिसिन सबसे इब्तदाई मेडिसिन होती है। कंप्लेंट्स एंड टेंशन कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर, वही अगर हम किसी मरीज को कास की बुनियाद पर, एक्यूनाइट को देखेंगे, तो अगर उसमें ड्राई और कोल्ड विंड के असरात हैं, ड्राई कोल्ड वेदर, खुश्की, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, यानी या इस किस्म का बाज़ुकात ऐसा सीजन चल रहा होता है हमारे मुल्क में भी, जिसमें ठंडी और खुश्क हवा, ठंडी उसमें मॉइस्चर कम होता है, ठंडी और खुश्क हवा चल रही होती है, उसकी वजह से अगर कोई एलिमेंट्स आ रही हो, तो हम इस मेडिसिन को प्रेफर करेंगे। एक इसकी की नोट में यह है कि इसके मरीज की एक चीक, एक गाल सुर्ख होता है, दूसरा पेल होता है। इसके मरीज का एक चीक्स, एक गाल सुर्ख होगा, दूसरा पेल होगा, ये भी इसकी एक की नोट सिम्टम है। टेंशन इज द की नोट सिम्टम ऑफ एकोनाइट। अगर हम इसकी लीडिंग सिम्टम्स की बात करें, लीडिंग सिम्टम्स जो हमें, लीडिंग सिम्टम्स वो सिम्टम्स होती हैं जो हमें किसी मेडिसिन की तरफ लीड करके ले जाती हैं, तो रेस्टलेस, रेस्टलेस में जो डॉक्टर नैश ने हर हर सिम्टम्स में अपनी तीन तीन रेमेडीज दी हुई हैं, टॉप ग्रेड, जिसको ट्रायो कहा जाता है, ट्रायो, तो ट्रायो ऑफ रेस्टलेस, डॉक्टर नैश ने ट्रायो ऑफ रेस्टलेस, यानी
टॉप ग्रेड रेमेडीज जो डॉक्टर नैश ने रेस्ट रेस में दी हैं वो आर्सेनिक, रेस्टॉक्स और एकोनाइट। आर्सेनिक, रेस्टॉक्स और एकोनाइट। लेकिन इन तीनों की रेस्टलेस में फर्क है। आर्सेनिक में मेंटल रेस्टलेस बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा मरीज कभी यहाँ खड़ा होता है, कभी वहां खड़ा होता है, कभी अंदर आएगा, कभी आपके कमरे में आएगा, कभी बाहर जाएगा। जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा बेचैन होता है आर्सेनिक का पेशेंट। रेस्टॉक्स का पेशेंट फिजिकली बेचैन होता है, एक ही जगह पर बैठकर कुर्सी पर, बिस्तर पर साइड्स चेंज करता है, करवटें बदलता रहता है। करवट बदलने से उसको सुकून आता है, पोजीशन चेंज करता है, फिजिकल पोजीशन चेंज करता है डॉक्टर साहबान। लेकिन एकोनाइट का पेशेंट में डबल रेस्टलेस है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये बात थोड़ी सी इसको इंडिविजुअलाइज कर रही है उन दोनों से। डॉक्टर नैश ने जो ट्रायो रेमेडीज दी हैं रेस्टलेस की, उनमें आर्सेनिक, रेस्टॉक्स और एकोनाइट। लेकिन एकोनाइट में उन दोनों की लामा जग जा है, मेंटली भी और फिजिकली भी। पेशेंट इज ओवर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा एहसास होता है बिलखुसूस नॉइज, म्यूजिक, लाइट, ये चीजें उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। शोर शराबा, मौसीकी, तेज रोशनी, इनसे वो इरिटेट होता है। तमाम इलामात वायलेंटली और सडनली आती हैं और उसी मैनर में जाती हैं। ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस कम वायलेंटली एंड सडनली एंड गो आउट इन द सेम मैनर। इसी मैनर में फिर वो बेलाडोना के साथ, जहाँ इसमें कंपेरिजन है। हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद अनक्वेंचेबल थर्स्ट। अगर बुखार में नाकाबले बर्दाश्त प्यास, ठंडा पानी मरीज पीता रहता है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होगी। फीवर विद अनक्वेंचेबल थर्स्ट, अनबियरेबल थर्स्ट। कॉन्स्टेंट प्रेशर इन लेफ्ट चेस्ट, जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट साइड के साथ अफिनिटी है, लेफ्ट साइड में हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, तो उसके साथ उसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम्स भी आ रहा होता है। ये इसकी लीडिंग सिम्टम्स हैं। अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, पैथोलॉजिकल फीचर्स, तो इंजाइना पेक्टोरिस में हम इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बिलखसूस जब लेफ्ट साइडेड पेन्स और पूरे बाजू में रेफर हो रही होती है और लेफ्ट साइड में ये एक पिक्चर बना देती है हमें एकोनाइट का। इसके साथ चूंकि मरीज के दो मेन सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, एक उसका CNS, एक उसका CVS, और उसके सेंसोर ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर सांस को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियक सेंटर हार्ट बीट को। जब ये दोनों सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा खौफ आता है। वो खौफ किसका होता है? मौत का, कि मेरी अगली सांस नहीं आएगी, मेरा अगला हार्ट बीट नहीं आएगा। चेस्ट पेन विद फियर ऑफ डेथ, चेस्ट पेन विद फियर, इंजाइना पेक्टोरिस की पिक्चर में। उसके साथ उसको SOB होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हार्ट अटैक में भी होता है, अस्थमा में भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओपेस्ट ब्रीथिंग, अनलीस्ट मोशन। थोड़ा सा हरकत करेगा तो उसकी SOB बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से न्यूरेलजिया, जो हमारी फेशियल नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, जिसमें न्यूरेलजिया हम जिसे कहते हैं असाबी दर्द है, बिलखसूस लेफ्ट साइड का न्यूरेलजिया। राइट में कास्टिकम भी है, सेंगोनेरिया भी है, लेफ्ट में स्पाइजेलिया के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, जिसके साथ इसमें नंबनेस, टिंगलिंग और नंबनेस आती है लेफ्ट साइड पर, ऐसे जैसे पूरा एरिया सो गया है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल सूजे हुए और ड्राई होंगे। फीमेल में एमेनोरिया हो सकता है, मेंसेस सुप्रेस हो सकते हैं कोल्ड और फ्राइड की वजह से, फियर फ्राइड और कोल्ड की वजह से अगर मेंसेस सुप्रेस हो जाए। स्किन में एक प्रॉब्लम होती है, परप्यूरा मेलेरिस, स्किन रेड हॉट स्वॉलन। ये पैथोलॉजिकल फीचर्स का ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऑलरेडी केस डायग्नोज होकर आ रहे होते हैं। तो अगर ये वाली टर्म्स, ये वाली डिजीजेज डायग्नोज होकर आपके पास आ रही हो, तो उसमें आप उसकी पेशेंट्स की सिम्टम्स को इस एकोनाइट की सिम्टम्स के साथ मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे। फीवर, थर्स्ट एंड रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी और प्यास, पसीना, बेचैनी, प्यास, इन तीनों में अगर बुखार आ रहा हो, फीवर आ रहा हो,
उसमें भी एटोनाइट टॉप ग्रेड रेमेडी है। आखिर में हम इसकी मोडेलिटीज की बात करते हैं। इसके मरीज को एग्रेवेशन होती है इवनिंग में, रात को, लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड, मुतासरा प्रॉब्लम वाली साइड पे सोएगा तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। म्यूजिक से, जैसे मैंने कहा, लाइट से, नॉइज से, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब पसीना खारिज हो रहा होता है तो उसकी तकलीफ बढ़ती है। वार्म रूम में टोबैको से, इनसे उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। अमेलोरेशन इसको ओपन एयर, खुली हवा में, और आफ्टर परस्पायरेशन, जब स्वेटिंग हो चुकी होती है, परस्पायरेशन हो चुकी होती है, तो फिर इसको सुकून महसूस होता है। अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं कि इसको कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, कौन सी मेडिसिन इसको अच्छा फॉलो कौन करती है, इसको एंटीडोट कौन करती है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री और फॉलो वेल सेम है, यानी जो इसके साथ इसके एक्शन को भी सपोर्ट करती हैं, इसके बाद इसकी क्योर को कंप्लीट भी करते हैं। सल्फर, आर्निका और कॉफिया, सल्फर, आर्निका और कॉफिया प्रूडा, ये तीन रेमेडी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो वेल भी करती हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं, सल्फर इसको एंटीडोट भी करती है। सल्फर इसकी तीनों में आ रही है, एसेटिक एसिड, और सल्फर इसको एंटीडोट भी करती है। लास्ट में जब हम इसकी डोज की बात करते हैं, पोटेंसी की, तो फिजियोलॉजिकल डोज से लेकर हायर पोटेंसी तक हम जा सकते हैं। एटलीस्ट 3x रिकमेंड की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आर हाईली पॉइजनस, हाईली टॉक्सिक फाइटोकेमिस्ट्री है इसकी, तो इनको हम क्रूड फार्म में देने, क्रूड मदर नेचर में देने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। तो 3x, 6x, 12x फिजियोलॉजिकल डोजेज में, बेहतर ये है कि हम पोस्ट एवोगैड्रो जाएं, 30-200, और वेरी वेरी अक्यूट केस में या मेंटल सिम्टम में हम इसको 1000 C में, यानी 1 m में, CM में, वहाँ तक भी हम इसमें जा सकते हैं। ये आज की इस हमारी मेडिसिन्स का मुख्तसर सा तारफ था, जिसको एकोनाइटम नेपेलस, और इस पर हमने बात की, इसकी हमने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पे बात की, हमने इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन पे बात की, इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पे बात की, इसकी कीनोट सिम्टम्स, इसकी लीडिंग सिम्टम्स, कुछ इसकी इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स, फिर हमने इसकी मोडालिटीज और पोटेंसी पे बात की। थैंक यू, वसलाम।